अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स व्हिच इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर डेली लाइफ एंड फॉर आवर प्रोफेशनल लाइफ टू। बिकॉज देखें, हमें लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ईजी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है सिर्फ बात करना, तो ये प्रॉपर एक स्किल हो ही नहीं सकता। हमें सिर्फ कम्युनिकेट करना है, हमें सिर्फ बात करनी है सामने वाले से, तो इसको क्या सीखना, क्या इसके बारे में जानना। बट बिलीव मी, ये कम्युनिकेशन स्किल अगर आप प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं तो इससे आपकी डेली लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज जो कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं आप लोगों को टिप्स दूंगी, ये आपकी डेली लाइफ के लिए भी होंगी, और अगर आप बिजनेस करते हैं, क्लाइंट्स को डेली डील करते हैं, या आप कहीं पर इस तरह की कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेट आपको करना पड़ता है क्लाइंट्स के साथ, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से क्या होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, बहुत ज़्यादा ग्रूम हो जाती है। एंड आपको पता है कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आजकल बाहर निकलना, तरह तरह के लोगों से मिलना, सोशल लिंक्स बनाना, और अपना एक इस माशरे में, इस सोसाइटी में जो इतनी एडवांस हो चुकी है, वहाँ पर अपनी एक अलग से जगह क्रिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसकी बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जो कि होती है पर्सनैलिटी आपकी, आपका उठना बैठना, आपका बातचीत करना, आपकी नॉलेज, आपका आपकी मैंटेलिटी, आपकी ड्रेसिंग, अगर इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं बेसिक चीज़ों पे अगर हम फोकस नहीं करते, तो फिर आप चाहे और कितना आगे क्यों ना निकल जाएं, आप यहाँ पर आकर फेल हो जाते हैं जब आपकी पर्सनालिटी ग्रूम नहीं होती है। एंड कम्युनिकेशन आपकी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स इज इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, लाइफ में आप जब भी कहीं जाते हो, किसी से भी मिलते हो, तो सामने वाला आपको क्यों सुनना पसंद करेगा, व्हाई द नेक्स्ट पर्सन वुड लव टू लिसन यू। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे आप अपना ट्रस्ट क्रिएट करते हो, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपके बातचीत करने से क्रिएट होता है, आपकी वैल्यू जो होती है वो आपके कम्युनिकेट करने से बनती है, आपकी आइडेंटिटी जो होती है वो आपके कम्युनिकेशन की वजह से बनती है। तो जब बिफोर सपोज मैं आपसे पहली दफ़ा मिली हूँ, और मेरी हमारी पहली दफ़ा क्या होगी, हमारी बात होगी। और अगर कम्युनिकेट करने में अगर मैं कहीं लैग कर गई या मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रही आपसे, ना आपका मुझ पर ट्रस्ट हो पाएगा, ना मेरी आपके सामने वैल्यू बन पाएगी, ना मेरी आपके सामने कोई आइडेंटिटी बन पाएगी, ना कोई मैं इंप्रेशन क्रिएट कर पाऊंगी, और इट मीन्स कि हम फर्दर फिर आगे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन मैंने यहाँ पे लूज कर दिया। तो डेली लाइफ के साथ साथ बिजनेस लाइफ भी ऐसी होती है, अगर आप क्लाइंट से फर्स्ट इंप्रेशन ही अपना क्लाइंट के ऊपर अच्छा नहीं डालोगे, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से पीछे रह जाओगे, फेल हो जाओगे, तो आपका क्लाइंट फर्दर आपसे प्रोसेस नहीं करना चाहेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेसिक जो एक की होती है और कम्युनिकेशन स्किल की, वो क्या होती है। तो बेसिक एक की जो होती है कम्युनिकेशन स्किल की, वो है ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी की वजह से आपका जो वैल्यू है वो लॉन्ग टर्म रहती है, किसी के साथ आपका जो कॉन्टैक्ट है वो लॉन्ग टर्म चलता है, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म आपका चलता है, क्लाइंट है तो वो क्लाइंट आपका लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी। अब इसका मकसद क्या है, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपने उसमें किसी की खुशामद नहीं करनी, आपने बहुत ऑनेस्ट रहना है, आपने बहुत रियल रहना है, आपने फेकनेस नहीं शो करनी उसमें, आपने चलाक नहीं बनना, आपने क्लेवर नहीं बनना, आपने अपनी तारीफें नहीं करते जाना। ठीक है, और उसके अलावा जो होता है, हमने किसी को कम्युनिकेट जब आप किसी से कर रहे होते हो, सो बी ऑनेस्ट, आपने किसी को फंसाना नहीं है, आपने किसी को अपनी बातों में नहीं लाना, इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में ये चीज़ें लेकर आ जाओगे और आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें आ जाएंगी, बिलीव मी यू विल लूज एवरी सिंगल डिसेंट एंड मेच्योर पर्सन इन योर लाइफ, क्योंकि ये काम डिसेंट, मेच्योर और अच्छे लोगों के नहीं होते हैं। तो अपने कम्युनिकेशन में आप अपनी ऑनेस्टी लेकर आएँ, लोगों को अपनी बातों में फंसाया ना करें, अब जो है चलाकियाँ ना दिखाएं, खुशामद ना करें, बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत पोलाइटनेस के साथ जो है कम्युनिकेट करें। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा ये कि बेसिकली कम्युनिकेशन वर्ड आया कहाँ से है। तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है ये आया है कम्यून से, एंड कम्यून का मतलब है टू शेयर, राइट। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि शेयर करना, नॉलेज शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, अपनी अगर आपकी कोई सर्विस प्रोवाइडर हो आप तो अपनी सर्विस शेयर करना, तो उस सर्विस में, उस नॉलेज में, उस इंफॉर्मेशन में अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपकी कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेहतर होगी। फोर्थ मेन पॉइंट इज लिसनिंग। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें और फर्स्ट टाइम बात करें स्पेशली, तो ट्राई टू लिसन देम मोर, अपनी बातें मत बताएं, अगले इंसान को सुनना पसंद करें कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो आपको क्या बता रहा है। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग से अगर हम कुछ लेटर्स निकालते हैं SILENT, तो हमारा साइलेंट बनता है। इट मीन्स कि लिसनिंग की है साइलेंस। अब इस साइलेंस में आपकी जो साइलेंस है वो एक्टिव होनी चाहिए।
फॉर सपोज मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे उसको सुनना है, लिसन करना है और खुद खामोश रहना है, लेकिन मेरी साइलेंस एक्टिव होनी चाहिए. इट मीन्स कि वो जो मुझे बता रहा है, जो मैं सुन रही हूँ, मैं उसको अच्छे तरीके से कंज्यूम करूँ, मैं उसको एक्टिवली सुनूँ. ऐसा नहीं कि मेरा ध्यान कहीं और है और वो जो मुझे बता रहा है मैं उसको सुन ही नहीं पा रही. बिकॉज सामने वाले से जब आप कम्युनिकेट करते हो, आप उसको प्रॉपर जब सुनते हो, तो आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. सामने वाले को ये एहसास दिलाएं कि आपने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर सुना, समझा, और फिर उसी की बात में से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करें और उसी की बात में से आगे बात निकालें. बात से बात जब निकलती है तो फिर ही रिलेशनशिप जो है अच्छे बनते हैं, तभी आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, चाहे वो डेली लाइफ सोशलाइजिंग हो या फिर वो आपका बिजनेस हो या आपके क्लाइंट के साथ डीलिंग हो. नेक्स्ट मेन पॉइंट इज पेशेंस. जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, बहुत पेशेंटली आप बात किया करें. अगले की बात को पहले प्रॉपरली सुने, ठीक है, उसकी बात को समझें, फिर उसकी बात का जवाब दें, फिर उससे कोई सवाल करें. जब आप पेशेंस के साथ जब किसी से बात कर रहे होते हो तो इतना कोई खूबसूरत आपका इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले इंसान के ऊपर. उसको लगता है कि यार बड़ा बंदा बड़ा सब्र करने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाला है, बहुत पोलाइट है, बहुत काइंड है. तो इसकी वजह से भी आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है. तो अपनी कम्युनिकेशन में पेशेंस लाएं. और ऑन द अदर एंड अगर हम क्लाइंट्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो वहां पर फॉर सपोज आपका क्लाइंट आपको अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम. पहले उससे उसकी प्रॉब्लम पूछें, फिर उसके बाद उसको उस प्रॉब्लम का जवाब दें, उसको सॉल्यूशन दें, तो आपकी उस क्लाइंट के साथ बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन होगी. नेक्स्ट फंडामेंटल पॉइंट इज योर एटीट्यूड. देखिए, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ज्यादातर लोगों का कम्युनिकेट करने का मकसद क्या होता है, अपना फायदा निकालना. अब सेल्फिश होते हैं, मीन होते हैं, अपना प्रॉफिट सोचते हैं कि मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरा इससे क्या फायदा निकलेगा, मैं इससे ताल्लुकात बनाऊँ मेरा इससे क्या फायदा निकलेगा, मैं इस क्लाइंट के साथ बात करूँ मेरा इससे क्या फायदा निकलेगा. जब आप अपना फायदा बीच में ले आते हो, सेल्फिशनेस बीच में ले आते हो, वहां पर आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है. आप जब भी किसी से बात करो, आप ऑनेस्टी के साथ बात करो. अगेन दैट मेन फैक्टर ऑनेस्टी. अपना फायदा नहीं सोचो, अगले इंसान से पोलाइटनेस के साथ कम्युनिकेट करें, उसका भी फायदा सोचें, उसके साथ अच्छा ताल्लुक बनाएं. और जब आपका किसी के साथ अच्छा ताल्लुक बन जाता है, ना ही सामने वाला आपको सुनना पसंद करेगा बल्कि आपको भी पसंद करेगा, और जो आपको पसंद करेगा वो आपका हो गया, और जो आपका हो गया वो तो फिर आपकी कुछ भी सुनेगा, राइट. तो चाहे आपकी डेली लाइफ की कम्युनिकेशन हो रही है या आप बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर रहे हो, मेरे ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं. हमारा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम उस पर बात करते हैं, दैट इज अपना फियर रिमूव करें. कम्युनिकेशन में बहुत लोग खुल के बात नहीं कर पाते, दिल में कोई सवाल होता है, कोई बात होती है, वो आगे रख नहीं पाते. तो फियर रिमूव करें, बिकॉज कम्युनिकेशन के टाइम पे सामने वाला भी जो आपके सामने होगा, चाहे वो डेली लाइफ कम्युनिकेशन हो चाहे वो बिजनेस हो, उसके पास भी कोई ना कोई फियर होगा. वो भी सेम यही सोच रहा होगा कि पता नहीं क्या बात करेगा, या मेरे दिल में जो बात है मैं इसे कहूँ या ना कहूँ, या मैं कोई सवाल करूँ या ना करूँ, आगे से क्या रिएक्शन होगा. तो दोनों सेम बोर्ड पे होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ आप आगे कदम बढ़ाएं और सामने वाले को भी अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाएं. नेक्स्ट गुड पॉइंट इज दैट कि आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आप हमेशा ये ना समझा करें कि मैं हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, राइट. सामने वाले को मौका दिया करें कि वो आपको अपने बारे में थोड़ा बताए, वो बताए कि उससे क्या पता है, राइट. इससे आपकी कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगी. आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट गुड पॉइंट जो है दैट इज कि नेवर आर्ग्यू विद समवन. चाहे आप डेली लाइफ में हो या आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो या बिजनेस मीटिंग्स कर रहे हो, आप जब सामने वाले से आर्ग्यू करने लग जाते हो तो वहां पर आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है एंड बॉन्ड खत्म हो जाता है. आप सामने वाले को हमेशा सपोर्ट शो करो. अगर कोई बात आपको उसकी पसंद नहीं भी आती है तो फिर आप उसको किसी और तरीके से जो है मैनेज करो. इससे क्या होगा कि आपका सामने वाले पर्सन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगी. लास्ट पॉइंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट आप लोगों को मैं देने जा रही हूँ, जरूर सुनिएगा इसको, फिर वीडियो एंड कीजिएगा. एंड दैट इज कि देखिए, दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो आपके कहने पर चेंज नहीं होगा. दुनिया में कोई इंसान जो है आपकी वजह से, आपकी बात से इंस्पायर होकर अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगा. हाँ, अलबत्ता किसी इंसान को जो है ना अपना लालच नजर आए. हर इंसान दुनिया में लालची है. किसी को पैसे की लालच, किसी को किस चीज़ की लालच, किसी को आगे बढ़ने की लालच, किसी को अल्लाह के करीब होने की लालच, किसी को जो है माँ बाप की नज़रों में अच्छा बनने की लालच, किसी को कामयाब होने की लालच. हर इंसान में कोई ना कोई लालच होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो.
तो अगर आप इससे कम्युनिकेट कर रहे हो और अगर आप उसको वो लालच दिखा दो कि आप उसको क्या दे सकते हो, आप उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हो या नहीं हो, सो दिस इज हाउ द नेक्स्ट पर्सन विल नो कि वो आपकी और उसकी वाइब मैच कर रही है. जिस तरह आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलता है, मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ आप लोगों को. फॉर सपोज में मुझे कोई लड़की मिलती है एंड मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, यार बहुत आगे बढ़ने वाली लड़की है ये, इसकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है, मेरे टाइप की है, तो मैं उससे अगर मिलूंगी तो मैं उसको जाके अपने बारे में बताऊंगी कि उसमें जो चीज़ें हैं वो मुझ में भी हैं, मेरे भी वही गोल्स हैं जो उसके गोल्स हैं. दिस इज हाउ वी विल कनेक्ट टू ईच अदर, राइट? बात से बात निकलेगी और दोस्ती हो जाएगी. इस तरह से क्लाइंट्स का सिस्टम होता है. फॉर सपोज कोई क्लाइंट आपके पास आया है, कोई आपको इस तरह का काम कर रहे हो कि आप उसको अर्निंग के बारे में कुछ सिखा रहे हो, ठीक है, तो आप उसको गाइड करना चाह रहे हो. अब उसका माइंडसेट जो है वो इस चीज के ऊपर है कि वो ना काम करके कुछ कमाना चाहता है, ना वो कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, उसे बस मुफ्त का पैसा मिल जाए. तो उसका मेन लालच क्या है? पैसा, ठीक है. तो आपने उसको ये बताना है कि जो आप उसको चीजें सिखाने जा रहे हो, कोर्स जो आप जो उसे या जो आप कोर्स उसे प्रोवाइड कर रहे हो उससे वो पैसा ही कमाएगा, ठीक है. तो फिर आपका स्किन केयर का ब्रांड है, ठीक है, और आपने अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो है सेल आउट करने हैं. अब लोग क्यों खरीदेंगे आपसे? आपने ये नहीं बताना कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इससे मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया. आपने ये पब्लिसिटी करनी कि इससे आपको क्या फायदा हो सकता है, राइट? इससे इसके इस्तेमाल करने वालों को क्या फायदा हो सकता है, जो कस्टमर्स हैं उनको क्या फायदा हो सकता है, जिसका स्किन केयर में इंटरेस्ट होगा वो खुद आपके पास आएगा, राइट? सो दिस इज हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स. सो वी आर डन विद टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी. यू गाइज मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो एंड इसको इम्प्लीमेंट भी जरूर कीजिएगा, बिकॉज नॉलेज को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन रह जाती है, नॉलेज पावर नहीं बनती तब तक जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ना करो. अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.